स्टार्ट करने से पहले बस एक बात ध्यान में रखना कि ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ प्लीज ज्यादा सीरियसली मत लेना, इट्स जस्ट फॉर फन, ये आपके एंटरटेनमेंट के लिए ऑल राइट। और मैं बस सिर्फ इस मूवी के मिस्टेक्स दिखा रहा हूँ, मैं इस मूवी के एक्टर्स डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ा रहा। सो बस इस बात को ध्यान में रखना है। विद ऑल ऑफ दिस बीइंग सेड, लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद द वीडियो। इस सीन में येलो गाड़ी गैराज के बाहर खड़ी है, लेकिन जैसे ही काली थोड़ा आगे चलकर आता है वो गाड़ी अपने आप गैराज के अंदर आ जाती है। यहाँ पर काली और मनी भाई इतने नॉर्मल टोन में बात कर रहे हैं, दादा सीरियसली डाउट के पीछे खड़ी उन लड़कियों को कुछ भी सुनाई दे रहा होगा। सिद्धू के फेस पे लोग इतने सारे इफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन वीर के फेस को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आई एम नॉट रियली श्योर कि पीछे के सीट पे है क्या, लेकिन अगले सीन में अपने आप गायब हो जाता है। इशिता इजिली एक ओला या फिर उबर मंगा सकती थी, लेकिन नहीं, उसे तो लिफ्ट ही मांगना था। यहाँ पर इशिता को लिफ्ट मिलने से इतनी खुशी हो जाती है कि अपने हेलमेट को अपने बाइक के अंदर रखना ही भूल जाती है। एक्सीडेंट गाड़ी के राइट साइड पर हुआ था, लेकिन अगले सीन में लोग गाड़ी का लेफ्ट साइड डैमेज दिखाते हैं। इस सीन में गाड़ी का वो साइड एकदम ठीक लग रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो लोग उसी साइड को एकदम डैमेज दिखाते हैं। यहाँ पर वीर इशिता को वेव कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसका फोन आता है उसे पीछे घुमा हुआ दिखाते हैं, तो फिर वो वेव किसको कर रहा था। इस सीन में येलो का राइट साइड पर टर्न है, लेकिन अगले ही सीन में वो कार अपने आप लेफ्ट साइड पर टर्न हो जाती है। यहाँ पर काली वीर के इतने पास में खड़ा था, तो फिर इस सीन में वीर ने उसको देखा कैसे नहीं। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? अभी तक इस मूवी में वीर ने इशिता से उसका नंबर मांगा ही नहीं। कमाल यार, वीर एक सिप में पूरा कॉफी खत्म कर देता है। यूजली अगर रात को कोई कॉफी पीता है तो इसके लिए पीता है ताकि वो रात भर जाग सके राइट, लेकिन वीर के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। वीर रात को कॉफी इसके लिए पीता ताकि वो रात को आराम से सो सके। वाह यार, ये कैसा गराज है जहाँ पर लोग BMW ऐसी महंगी गाड़ियों को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर इन्होंने एक भी CCTV कैमरा नहीं लगाया, मतलब मानना पड़ेगा यार। और इतना ही नहीं, इस गराज के अंदर तो कोई शटर भी नहीं है। यहाँ पर वो आदमी अपने गैंग के लोगों को क्यों रोक रहा है? इस सीन में वीर जिस टेबल के ऊपर गिरता है वो अगले सीन में अपने आप गायब हो जाता है। सही है यार, मतलब जमीन से पोल उखाड़ना तो इतना ही आसान होता है ना। मुझे यहाँ पर बस एक बात समझ में नहीं आया कि वीर को मारने के सब लोग एक एक करके क्यों आ रहे, क्योंकि अगर वो लोग एक साथ आते तो फिर वीर की हालत कुछ इस तरह होती थी। लेकिन नहीं, एक एक करके आओ, मार खा के जाओ, उनको क्या फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उस वॉल पर जो घड़ी है 9:07 का टाइम दिखा रहा है, लेकिन वो अगले ही सीन में अपने आप 12:10 का टाइम दिखाने लग जाता है। यहाँ पर भी काली को मारने के लिए सब लोग एक साथ आने के बजाय एक एक करके आ रहे हैं। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि उनके हाथ में कोई अल्कोहल नहीं है, लेकिन जैसे ही उन्हें ड्रग्स जलाना होता है उनके हाथ में अचानक से अल्कोहल आ जाता है। यहाँ पर उस आदमी के बॉडी और मुंह पर इतना सारा ड्रग्स लगा है, लेकिन अगले सीन में पूरी तरह से साफ हो जाता है। यहाँ पर काली की शक्ल इतनी क्लियरली दिखाई दे रही है, लेकिन उस आदमी को काली की शक्ल दिखाई नहीं दी, सिर्फ ऊपर रखे हुए ड्रग्स जगह, लेकिन जो ड्रग्स नीचे गिरे थे उन्हें तो किसने हाथ नहीं लगाया। इस सीन में किंग बोलता है कि वो करोड़ों के ड्रग्स था, अगर इतना ही था तो फिर उन्होंने गन्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि आगे की सीन में वो लोग दिखाते कि उनके पास गन्स है, तो फिर यहाँ पर यूज करने क्या हो गया। आज से किंग की गाड़ियों पे राज राज करेगा। किंग को काली का नाम कैसे पता चला, क्योंकि इस पूरे सीन में काली ने अपना नाम बताया ही नहीं। इस सीन में इन बिल्डिंग से नीचे कोई भी शैडो नहीं है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ियां ट्रांस के बीच में से निकलती है उस बिल्डिंग के नीचे अचानक से एक शैडो आ जाता है। कमाल है यार, काली इतने स्पीड में अपनी गाड़ी चला रहा था, लेकिन मीरा को बस थोड़ा सा धक्का लगा। सही है यार, यहाँ पर काली के जान के पीछे इतने सारे लोग पड़े, लेकिन वो अपनी जान बचाने के बजाय रोमांस कर रहा है। मीरा काली को अपना असली नाम क्यों बता रही है, क्योंकि अगर वो ये सब फेक कर रही है तो फिर वो एक फेक नाम ही बता देती है। और कमाल यार, एकदम परफेक्ट टाइम पे पुलिस का सायरन बजा और मीरा का सरनेम छुप गया। मीरा जिस ट्रैम के ऊपर चढ़ती है उसका नंबर है 3002, और काली जिस ट्रैम को वेव कर रहा है उसका नंबर है 3017, तो काली वेव किसको कर रहा है यार। वेल इट्स नियरली इम्पॉसिबल कि उसने परफेक्टली वही आइसक्रीम एक कोन के अंदर भर के अपने कार्ट के अंदर रखा हो। शक्ति सीरियसली एकदम सही वायलिन बजा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने स्टार्ट कहाँ से किया और एंड कहाँ पर कर रहा है। अगर तुम लोग ये सीन थोड़ा ठीक से देखोगे तो तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी जॉइनिंग लेन या फिर दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नहीं है, तो फिर ये गाड़ियां कहाँ से आ गई। यहाँ पर काली उल्टा लटका, लेकिन उसका खून नीचे जाने की बजाय ऊपर जा रहा है फॉर सम रीजन। इस सीन में हम क्लियरली देख सकते हैं कि मीरा अपने साथ बस सिर्फ 4 SUVs लाई थी, तो फिर इतना बड़ा ट्रक कहाँ से आ गया। यहाँ पर वो लोग इतना सारा गोल्ड दिखा रहे, तो फिर जब काली ने चोरी किया था तब वो इतने छोटे गाड़ी में इतना सारा गोल्ड लेकर कैसे भाग गया। यू नो यूजुअली लोग बोलते हैं कि लड़कियां गाड़ी नहीं चला सकती एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन यहाँ पर मीरा उन सबको सही साबित करती है, क्योंकि सबसे पहले वो दिन में हेडलाइट चालू रख के गाड़ी चला रही है, एंड सेकंडली उस गाड़ी के ऊपर एक रियर व्यू मिरर और दो साइड व्यू मिरर है, फिर भी वो गाड़ी बार बार पीछे देखकर चला रही है फॉर सम रीजन। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस पूरे सीन की इंस्पिरेशन आई है फ्रॉम मिशन इम्पॉसिबल 2, और शुड आई से एग्जैक्ट इंस्पिरेशन। वो गाड़ी सी के अंदर गिर सकता है, दोनों उसके से लिटरली मर सकते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, इनको रोमांस करना ज्यादा जरूरी है नहीं। तो मुझे पता मत कर जॉनी, लाइक सीरियसली डूड, खाली इतनी सी चीज बोलने के लिए इतना नाटक किया, अरे यार सिर्फ फोन पे बोल दिया होता इतना मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये मूवी आई थी इन 2015 और अभी मूवी पास में चल रही है विच इज 15 years back, तो फिर मीरा के पास ऑडियो R8 कहाँ से आ गया, क्योंकि ऑडियो R8 रिलीज हुआ था इन 2006, तो फिर 2000 के अंदर 2006 की गाड़ी कहाँ से आ गई। इस सीन में काली के गैंग मेंबर्स कर क्या रहे, कमॉन, वो एक दुश्मन गैंग की लड़की को अपने बॉस के पास जाने दे रहे, वो भी इतनी आसानी से, लाइक सीरियसली। काली और मीरा जगह से वापस कर जाएंगे क्योंकि यहाँ पर कोई बोर्ड दिख ही नहीं रहा। यूनिट रिलीज सक्स, जब ये गाना रिलीज हुआ था बहुत सारे लोग रहे थे कि इस गाने को लोगों ने ग्रीन स्क्रीन के सामने शूट किया या फिर ऐसा कुछ, बट इन रियलिटी ये शूट किया गया था इन आइसलैंड, जो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है क्योंकि आज तक इतने सारे मूवीज में आइसलैंड को लोगों ने यूज नहीं किया। बट हाँ, इस गाने को CGI से बहुत एनहांस किया था, पर ये पूरा लोकेशन फेक नहीं था जैसा बहुत सारे लोगों को लग रहा था। कमाल यार, लगता है लोग पहले के चोरियों से अभी तक कुछ भी नहीं सीखे, क्योंकि अभी तक इन्होंने CCTV कैमरा लगाया नहीं अपने गैराज के अंदर। इस सीन में अनवर बिना मनी भाई का बाइक चेक किए उसे मारने लग जाता है। कमॉन मैन, अभी ऐसा फ्री झाड़ू छोड़िए कौन जाता है यार। यहाँ पर इशिता के पीछे इतने सारे लोग दिखाई दे रहे, लेकिन अगले सीन में इशिता के पीछे से सब लोग
गायब हो जाते। मिरर में इशिता की रिफ्लेक्शन को क्या हो गया? हम उस मिरर के रिफ्लेक्शन में एक लाइटिंग इक्विपमेंट भी स्पॉट कर सकते हैं। वीर ने उस मिरर को नीचे फेंका तो फिर टूटने का आवाज क्यों नहीं आया? यू नो इट्स रियली फनी कि वीर बोलता है भैया संभाल लेना, लेकिन वीर ने काली को करते हुए देखा कब? यहाँ पर मीरा के डैड इतना बात करके टाइम क्यों वेस्ट कर रहे थे? वो उनको सिंपली गोली मारकर अपना काम खत्म कर सकते थे। कमाल यार, परफेक्टली जब उसका डायलॉग खत्म हुआ तब इसने गोली मारना स्टार्ट कर दिया। इट डज नॉट मेक एनी सेंस क्योंकि यहाँ पर काली के ऊपर इतने सारे लोग गोली चला रहे लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लग रही है। सही है यार, इस आदमी ने एकदम सीधा एम लिया था काली के ऊपर लेकिन उसकी गोली अपने आप आसमान में उड़ जाती है। इस सीन में इस आदमी के पास एकदम क्लियर शॉट है काली के ऊपर लेकिन वो गोली मारने के बजाय उसके पास भाग कर आ रहा है। इस सीन में काली ने हॉस्पिटल गाउन पहनने के बजाय नॉर्मल कपड़े पहने हैं। इन दोनों को तो स्क्रिप्ट राइटर होना चाहिए था, साले इतने छोटे टाइम में से मूवी के सीन्स देखकर इन्होंने एक नई स्टोरी भी बना दी। यहाँ पर जो पिंक शॉट में आदमी इनके पीछे चल के जाता है वो अगले सीन में वापस रिपीट होता है। सीरियसली मैन, ऐसे गाड़ियां कौन पार्क करता है? यहाँ पर बस एक ही गाड़ी खड़ी है और किंग के साथ में इतने सारे लोग दिखाई दे रहे, तो क्या ये लोग सब एक साथ एक ही गाड़ी में जाने वाले थे? अगर उस गाड़ी में करोड़ों के ड्रग्स है तो फिर चाबी अंदर क्यों छोड़ा था? काली इनके इतने पास में खड़े होकर इनकी पूरी बातें सुन लेता है तो फिर किसने इसको देखा कैसे नहीं? लगता है मनी भाई पक्का नशेड़ी था, साला देखते ही बता दिया कि ड्रग्स है। मुझे इस मूवी में बस सिर्फ एक बात समझ में आया कि जब भी वीर को एक पोल चाहिए होता है किसी को मारने के लिए उसे अपने आप पोल मिल जाता है, चाहे वो कहीं पर भी हो। पोल का साइज सेम रहता है, सिर्फ कलर चेंज हो जाता है। इतने जल्दी मास्क उतारने की क्या जरूरत थी यार, कोई पीछे से देख लेता तो। यहाँ पर बैकग्राउंड में किंग बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अगले सीन में अचानक से पीछे से चल के आ जाता है। जब लोग गुस्से में किसी को मारते तो काफी जोर से मारते राइट, तो यहाँ पर शक्ति अपने भाई को इतने आराम से क्यों मार रहा है? और ये भी नहीं चाहता था कि एक बेटी को ये पता चले कि उसके ही पिता ने ऐसा किया। इस सीन में राघव बोलता है कि कभी किसी लड़की को नहीं पता चलना चाहिए कि उसके बाप ने क्या किया था। अबे देखो इतना ही था तो फिर अभी भी क्यों बोला? अभी भी एक सीक्रेट रख सकता था ना, और अगर अभी इतना बोलना था तो फिर पहले बोलने क्या हो गया? यहाँ पर काली को शक्ति और अनवर तो दिख गए तो फिर राघव कैसे नहीं दिखा क्योंकि वो उनके काफी पास में खड़ा था। जब मैंने ये मिस्टेक नोटिस किया था तब मुझे ये बहुत फनी लगा था क्योंकि ये काली का गराज है, काली और मीरा यहाँ पर काफी टाइम तक बात करते, तो फिर इतना टाइम ऑस्कर भाई पीछे खड़े रहकर क्यों देख रहे थे? किंग को इस शादी में किसने बुलाया? आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग ने भी नोटिस किया होगा मूवी देखते टाइम कि अगर उन्होंने उस गाड़ी को मॉडिफाई किया था तो फिर उस सिंबल को निकालने क्या हो गया? आई हाय, इन दोनों ने एकदम सही जगह पर पकड़ा यार ऑस्कर भाई को। मेरा राइट और तेरा लेफ्ट इंडिकेटर ऑन हो गया बेटा। ऑस्कर भाई को कैसे पता चला कि मनी भाई लेफ्ट साइड पर देख रहा था? क्योंकि ऑस्कर भाई खुद राइट साइड पर देख रहा था। काली को मारने के लिए भी सब लोग एक साथ आने के बजाय एक एक करके आ रहे क्योंकि तुम्हें भी पता कि अगर वो लोग एक साथ आएंगे तो फिर काली की क्या हालत होगी। जब काली किंग के लोगों को मार रहा था तो फिर किंग इतना टाइम देख क्यों रहा था? उसे सिंपली अपनी गन निकालकर तभी के तभी गोली मार सकता था, इतना टाइम देखने की क्या जरूरत थी? इस मूवी में हमें दिखाते कि किंग एक बहुत ही खतरनाक गुंडा रहता है क्योंकि वो खुद के डैड को भी मार देता है, तो फिर वो बस मीरा को मारने के बाद क्यों रुक गया? वो और भी लोगों को गोली मार सकता था ना। तो ये थे इस मूवी के सारे मिस्टेक्स जो मैंने नोटिस किए।